पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला, आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का हमले की जिम्मेदारी लेना और फिर सीमा पार आतंकी ठिकानों पर भारत की कार्रवाई, और इसके बाद जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भारत के समर्थन में आया, उस दबाव के चलते पाकिस्तान को प्रतिबंधित आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़ा। पाकिस्तान के आंतरिक मामलों के मंत्रालय के मुताबिक 44 आतंकियों को गिरफ्तार करने का दावा किया गया है। बैन करने या नहीं करने से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। अभी जब उनको बैन करना होता है वो बैन कर देते हैं, जब उनको लगता है कि प्रेशर ज़्यादा हो गया उसके बाद में फिर उसको कोर्ट से छुड़वा देते हैं कि एविडेंस नहीं है इसलिए हमने बैन हटा लिया। तो ये एक टैक्टिक्स है जिसको वो इस्तेमाल करते रहते हैं। गिरफ्तार आतंकवादियों में जैश मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का भाई मुफ्ती अब्दुल रऊफ और बेटा हम्माद अजहर भी शामिल है। पुलवामा हमले को लेकर पाकिस्तान को दिए गए डोजियर में भारत ने इनके नाम दिए थे। आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो भारत या अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं बल्कि अपने नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक कार्रवाई कर रहा है, जिसमें तय किया है प्रतिबंधित संगठनों के खिलाफ तेजी से कार्रवाई की जाए। ये सिर्फ कॉस्मेटिक इसको कहते हैं स्टेप्स हैं दिखाने के लिए लिए जा रहे हैं। पाकिस्तान की बेसिक नीति में जब तक परिवर्तन नहीं होगा जो आतंकवाद को सपोर्ट करती है, जिसको वो कहते हैं पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक डेप्थ। आतंकी संगठनों पर प्रतिबंधों को लेकर पाकिस्तान की गंभीरता पर सवाल भी खड़े होते हैं। अतीत पर नजर डालें तो आतंकवादी संगठन जमात उद दावा और उसके सरगना हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई हवा हवाई साबित हुई थी। अगर आतंकवाद को पाकिस्तान खुद ही खत्म करता है तो वेरी गुड, हमें उसमें क्या चिंता है। हम तो प्रेशर डलवा रहे हैं, हम तो प्रेशर डाल रहे हैं, हम तो प्रेशर से नहीं हटेंगे जब तक प्रेशर पड़ता रहेगा उन पर, जब तक वो टेररिज्म को बंद नहीं करेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव और भारत की कूटनीति और अपने मित्र देशों से मिल रही ठंडी प्रतिक्रिया के असर ने पाकिस्तान को आतंकी संगठनों पर कार्रवाई के लिए मजबूर तो किया है, लेकिन पाकिस्तान की गंभीरता पर अभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है।